Assalamualaikum, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, कैरियर से और मजे में होंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मेरी तरफ से ईद उल अधा बहुत ज़्यादा मुबारक हो। तो यहाँ पर बन रही है खीर। वैसे ये मीठी ईद तो नहीं है, लेकिन हमने जो है इसको मीठा कर लिया है, क्योंकि मीठे के बगैर आई थिंक ईद मेरी तो इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पर अभी सबसे पहले तोड़ते साथ मीठा बना लेते ताकि ठंडा हो, उसके बाद फिर जाके होते हैं रेडी। मैं बनाने लगी हूँ अपना बस सिंपल सा क्विक सा नाश्ता, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था नाश्ता करने का, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और यहाँ पर बन रही है हमारी खीर, और जो कि बहुत ज़्यादा मज़े की इंशाल्लाह ताला जो है वो बनेगी। साथ में यहाँ पर चाट के लिए जो है वो आलू जो है वो भी बॉयल हो रहे हैं। और यहाँ पर अभी मैं करने लगी हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि जब तक मैं ब्रेकफास्ट ना करूँ फिर मेरे सर में जो है ना वो दर्द स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्विक एंड इजी से जो बने बनाए पराठे होते हैं वो पड़े हुए थे, मेरा दिल भी कर रहा था, मुझे क्रेविंग भी हो रही थी, और मैंने सोचा चाय भी पी लेंगे और साथ में जो पराठा है वो भी इंजॉय कर लेंगे। तो जल्दी से यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट जो है वो डन करते हैं। खोए के बगैर मेरा तो मीठा जो है ना वो बिल्कुल इनकम्प्लीट होता है। तो इसमें हमने डाला है मज़ेदार सा खोया डाल के, पिस्ते बादाम डाल के, और बड़ी ही मज़ेदार सी जो खीर है ना हम वो बनाएंगे, जैसे कि फालूदा होता है ना उसका, जैसे होता है वो क्या उसको बोलते हैं, मलाई सी होती जैसी, उस टाइप की जो है वो खीर बनी है। बहुत टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा यम्मी। तो बस और 5 to 10 मिनट्स में जो है ये रेडी हो जाएगी, फिर हम इसको डिश। पर हमारा जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यम्मी और मज़ेदार सा जो मीठा है वो हो चुका है रेडी, जिसके ऊपर हमने मज़ेदार सी जो गार्निशिंग है वो कर दी है। अब यहाँ पर जो है हम जाते हैं और फटाफट से रेडी हो जाते हैं। और इसके जो नेक है, जो गला है वो बहुत ही प्यारा बना हुआ है। और ये वाला जो ड्रेस है ये मैं अपना पाकिस्तान से स्टिच करवा के लाई थी ईद के लिए, और अब यहाँ पर ईद के मौका पर जो हमें पहनने लगे हैं, क्योंकि परफेक्ट जो है वेदर है, समर है, और कलर जो है ये बहुत ही लाइट से हैं, बहुत ही प्यारे। पर रायन जो है वो तैयार हो चुके हैं, शाल जो है मेरी गोद में है, और इसको थोड़ी नीनो आ रही है, थोड़ी सी क्रैंकी हुई भी इस टाइम पे। और रायन जो है जब वो तैयार हो जाता है फिर वो शूज़ जो है उतारता ही नहीं है, और शूज़ पहन के जो है वो बेड पे बैठता है। तो इशाल अभी सोई हुई थी, मौका बहुत ज़्यादा अच्छा है, और अब मैं जो हूँ वो जल्दी से रेडी होने लगी हूँ, क्योंकि जब बच्चे सोए होते हैं तो फिर ही आप जो हैं वो इजीली रेडी हो सकती हैं। और इसका जो दुपट्टा है ये इतने मज़े का है, और इसके ऊपर बड़ी प्यारी सी स्टाइलिश से जो है ये लेस लगी हुई थी, और बहुत ईजी वेयरिंग है, कम्फर्टेबल है। जैसा कि घर में थोड़ा आप किचन में काम वगैरह करें तो मतलब उसके लिए आप। तो यहाँ पर अभी जो है वो थोड़ी सी तैयारी चल रही है, और ये जो मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर है ना ये इतना बेस्ट है कि काश मैं आपको ना इसका जो रिजल्ट हो ना वो दिखा सकती। इट इज़ रियली रियली वेरी गुड हाइलाइटर, और इसका कलर बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा है। और इसकी जो कलेक्शन है वो मेरे पास और भी है, मतलब इसके कलर्स जो है ना वो सारे बहुत ज़्यादा प्रीटी हैं। तो ये सारे, ये मतलब तीन कलर्स जो हैं इनमें तीन ही ये लाइटेस्ट कलर थे, बाकी जो है वो डार्क स्किन टोन के लिए, ज़्यादा डार्क के लिए मतलब। तो इनको मैं ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये 3 शेड्स हैं, ये शैम्पेन है, ये गोल्ड है, और ये है वाइट, और तीनों ही के जो कलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो आज जो है मेरी ड्रेस का कलर जो है वो थोड़ा सा पिंक है, थोड़ा सा मतलब ऐसा है कि इसके साथ ना वाइट टोन जो है वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। मतलब वाइट है मतलब ये नहीं कि इसकी बिल्कुल वाइट कैस्ट आ जाएगी, वो एक बड़ा प्यारा सा ग्लोई सा आपका फेस जो है ना थोड़ा सा ब्राइट लगता है। तो बाकी ये तीनों शेड हैं जो कि आप लोग ज़रूर जो है वो ले लें, मतलब दी बेस्ट है। जी फाइनली यहाँ पर मेकअप जो है मेरा वो हो चुका है डन, और अब जो है हम अपनी बैंगल्स निकाल लें। और पहले इसके साथ में यहाँ पर मैं ज्वेलरी जो हूँ वो पेयर करने लगी हूँ, तो सेम एग्जैक्ट कलर के, मतलब आप देखेंगे ना तो आप कहेंगे वाकई आपके सूट ही का कलर, ऐसे लग रहा था सूट का ही कलर काट के और कानों में पहन लिया। तो ये मेरे बिल्कुल सिंपल से जो टॉप्स हैं ये घर से ही मुझे मिल गए, बाकी दूसरे भी थे बट आई थिंक ये ज़्यादा मैचिंग हो रहे थे। तो
आ चुके हैं जी हम यहाँ पर सिर्फ बैंगल्स शॉपिंग करने के लिए। और बैंगल्स आई थिंक मैं आज ये वाली जो हूँ ना ये पहन लेती हूँ, क्योंकि बड़ी मल्टी कलर्स की और बहुत प्यारी लगेंगी। अच्छा ये भी मल्टी हैं, ये भी मल्टी हैं, मतलब दोनों मल्टी हैं, बट आई थिंक ये जो है ईद के ओकेजन के हिसाब से ज़्यादा अच्छी लगेंगी, तो ये पहन लेते हैं। तो ये आ चुके हैं सारी की सारी बैंगल्स, और मेरी ड्रेस के साथ स्काई ब्लू और पिंक ये वाला भी कलर जा रहा है और ये वाला भी। वैसे ये ज़्यादा मैच हो रहा है, लेकिन मैं पहन के देखती हूँ, जो अच्छी लगती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फाइनली ये वाली जो है मैंने बैंगल्स निकाल ली हैं, और बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही है और बहुत ज़्यादा शाइन भी कर रही हैं, और अब इनको जो है वो पहनते हैं। जो चूड़ियाँ हैं फाइनली मैंने ये पहन ली हैं, और इतनी प्यारी इतनी मज़े की ये चूड़ियाँ ना, इनका मतलब जो कलर है वो बहुत ही प्यारा है, हर ड्रेस के साथ जो है ना ये परफेक्ट रहेंगी। ज़्यादा नहीं पहनी मैंने, कम पहनी है, क्योंकि बस घर के काम वगैरह भी यू नो लेडीज़ को होते हैं, बच्चों के साथ बस आई थिंक सो इतनी ही जो है वो इनफ है। और ये यहाँ पर कुछ जो फेक नेल्स हैं ये भी मैंने ले लिए थे, मतलब अगर आपके पास टाइम ना हो, वैसे तो यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी शॉप्स हैं नेल्स बार, लेकिन मैंने क्या किया था कि मैं काफ़ी सारे घर में खुद ही ले आई थी कि आप खुद ही अपने जो है वो लगा लें। इसके साथ ग्लू भी आई हुई है, अभी तक मैंने वैसे ये लगा के यूज़ नहीं किए, लेकिन इसको भी जो है वो लगाते हैं और फिर देखते हैं कि इनका जो मतलब कैसी इसकी जो लुक है वो। यहाँ पर पास्ता जो है वो बॉयल हो रहा है, बल्कि ऑलमोस्ट हो ही जो है वो चुका है। यहाँ पर बनने लगी है पास्ता भी, पास्ता का जो चिकन है वो कट रहा है, पर हमारी जो चाट है वो हो रही है रेडी, पकौड़ियाँ जो है वो भीग चुकी हैं। तो यहाँ पर अभी जो है वो पास्ता तैयार हो रहा है, वाइट सॉस वाला सब चीज़ें इसमें डल चुकी हैं। अब यहाँ पर ऑलमोस्ट सॉस जो है वो रेडी है, और यहाँ पर बन रही है चाट। तो यहाँ पर हमारा जो पास्ता है वो भी रेडी है, और ऑलमोस्ट हमारी जो वाइट सॉस है ये भी रेडी है, थोड़ी सी और बस थिक हो जाए तो फिर हम इसमें डाल लेंगे। और अभी यहाँ पर जो तैयारी हो रही है वो है चाट की। तो योगर्ट जो है ये मैंने कल ही जमा दिया था, अभी जो है परफेक्ट जम चुका है, चाट भी रेडी है, यस। और इशाल यहाँ पर प्लेन जो पास्ता है वो खा रही है। तो यहाँ पर हम अपने पास्ता में अपनी वाइट सॉस जो है यहाँ पर ये ऐड करने लगे हैं, इसको करते हैं मिक्स। तो ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी और मज़ेदार सा जो पास्ता है यहाँ पर ये हो चुका है रेडी, ये बहुत टेस्टी और यम्मी। तो खाने के बाद अब है रिजल्ट का टाइम, और ये वाली जो खीर बनी थी ये इतनी मज़े की बनी थी ना, मतलब आज तक मैंने लाइफ में जितनी भी खीर बनाई होगी ना ये वाली जो थी वो नंबर वन थी। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपके साथ करूँगी इसकी रेसिपी शेयर। और इसके साथ ही मैं यहाँ पर आज बहुत सारा काम किया है, तो एनर्जी जो है वो लो हो गई है, तो मैंने फ़ौरन अपनी जो कैल्शियम टैबलेट है वो ले लिया, जो कि मैं एवरी डे लेती हूँ। और अभी हम लोग बच्चों को लेके जाने लगे थे पार्क में, लेकिन जैसे ही हम लोग जो हैं वो अपनी गाड़ी में बैठने लगे, रायन ने शोर डाल दिया कि मुझे तो अपना ट्रक जो है वो चलाना है। तो हमने क्या किया, इसका ट्रक चलाने के लिए, इसका शौक पूरा करने के लिए, बस ऐसे ही मतलब पास ही बीच पे चले गए कि चलो यहाँ पर ये जो है थोड़ी सी अपनी ड्राइव कर लेगा तो इसको अच्छा लगेगा, क्योंकि ईद का दिन था तो हम नहीं चाहते थे कि इसकी कोई भी बात ऐसी हो जो हम ना माने। तो बस यहाँ पर हम लोग आए थोड़ी देर के लिए बीच पर इसके दिल की खुशी के लिए कि जिसने जो है वो ट्रक वगैरह चला लिया है। बाकी बच्चों को देख के आप लोग माशाल्लाह ज़रूर बोल दें, और आप लोग मुझे बताएं आप लोगों की जो ईद है वो कैसी गुजरी। हमारी माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी ईद गुजरी है, और ईद के दिन का सारा जो व्लॉग है वो मैंने कर दिया है आपके साथ शेयर। और बाकी जो है वो मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो मुबारक हो। और इसके अलावा हम लोग गए थे बच्चों को लेके जॉयलैंड में, और वहाँ का सारा जो है वो लाइव होगा, तो वहाँ पर वॉइस ओवर जो है वो मैंने नहीं किया, ताकि आप रियल जो हमारी भी वॉइसेस हैं और जो रियल है उसको इन्जॉय करें। तो बस यहाँ से अब जो है आगे लाइव जो है वो वॉइस ओवर मतलब होगा, मतलब लाइव होगा सब कुछ जो भी होगा, तो मैंने वॉइस ओवर जो है वो नहीं किया। वॉइस ओवर जो था वो यहाँ तक का ही था। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम पर भी करें मुझे ज़रूर फॉलो, सेम नेम है सेम लोगो है, और एवरी डे मेरा जो व्लॉग है वो आ जाता है, रोज़ाना आए सेम टाइम पे मेरे चैनल पे, और इन्जॉय करें मज़ेदार सी वीडियो को।
बाय बाय इशू, बाय बाय।